अब्दुल्ला अमारी, मैं हिदायत रहमान होती इस वक्त स्मार्ट स्कूल सिस्टम शेख मसूद मरदान में मौजूद हूँ। इस वक्त ये वालदैन के हवाले से सलाह तकरीब हो रही है जिसके मरकूज एम पी ए ज़ाहिर शाह टूरू है। इस तकरीब में बच्चों के साथ साथ उनके वालदैन खुद तौर पर शिरकत कर रहे हैं। इसका मकसद ये है कि ताकि बच्चों को ये साथ दिलाया जाए कि उन्होंने नुमाया बुरी साज की और उसकी अफजाई के लिए इस किस्म की खूबसूरत तकरीब का इनका किया जा रहा है। चलते हैं एम पी ए ज़ाहिर शाह की तरफ और उनसे इनके साथ जानते हैं। देखिए, एजुकेशन सिस्टम में तो हर जगह पे प्राइवेट तालीमी इदारे भी होते हैं, सरकारी तालीमी इदारे। मसला सारा ये था कि पाकिस्तान के अंदर दो निज़ाम चलते थे, एक अंग्रेज़ी का निज़ाम था और एक हमारा हुकूमती पाकिस्तान का निज़ाम था जो कि उर्दू मीडियम में था। पाकिस्तान, अभी मैंने अपनी तकरीर में भी कहा कि पाकिस्तान के अंदर तमाम कम्पिटेटिव एग्ज़ाम जितने भी होते थे, हर किस्म की कम्पिटिशन के एग्ज़ाम, वो अंग्रेज़ी में होते थे और बच्चों को पढ़ाई उर्दू मीडियम के स्कूलों में, वो उर्दू में पढ़ते थे और बाद में उनका मुकाबला फिर अंग्रेज़ी के बच्चों के साथ होता था, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा एक डिस्क्रिमिनेशन का बच्चों को लगता था, नौजवानों को। मौजूदा हुकूमत ने इस सिलसिले में जो इकदाम उठाए कि पाकिस्तान के अंदर अब तमाम जितने भी एजुकेशन इदारे हैं वो उर्दू मीडियम के हों चाहे अंग्रेज़ी मीडियम के, वो सब एक किस्म के करिकुलम में आकर वो एक तरह की पढ़ाई जो है वो लोगों के देंगे बच्चों को। प्रोफेसर सोहेल नाम है, डायरेक्टर स्मार्ट स्कूल हूँ। असल में हमारा मकसद जो है वो ये है कि जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन आए हैं उनको अपने वालिदैन के सामने एप्रिसिएशन दी जाए और उनको ये तासुर दिया जाए कि हम उनके कामयाबी में उनके बराबर के शरीक हैं और इन कॉन्फिडेंस की वजह से वो आगे आएंगे और अपने पेरेंट्स के सामने जो है जब उनको अवार्ड दिया जाता है तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है। तो एनुअल डे का हमारा मनाने का मकसद यही था कि तमाम लोग इससे जो हमारे और पेरेंट्स हैं वो मोटिवेशन लें और अपने बच्चों के साथ जो है वो ज़्यादा काम करें। अच्छा, इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान में पाकिस्तान के तकरीबन आधे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में हैं और सरकारी स्कूलों में बहुत बड़ा बजट जो है वो मुख्तस है बच्चों पे खर्च के लिए। वहाँ एक बच्चे पे खर्चा 6,000 से लेकर 10,000 उस बच्चे का भी है जो ट्राट पे बैठ के पढ़ रहा है। मेरे ख्याल में उससे कहीं कम फीस पे प्राइवेट इदारे बहुत अच्छी तालीम दे रहे हैं।